हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको नेक्स्ट बुक कराऊंगी बीएड फर्स्ट ईयर की, जो कि हमारा पेपर टू है। इससे पहले जो हमने बुक कंप्लीट किया है वो हमारी पेपर थ्री की बुक है। लर्निंग एंड टीचिंग हमारा सब्जेक्ट था। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने वो वीडियोस ना देखी हो तो उन्हें भी जरूर देख लें। आज से जो है हम कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन के बारे में स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। ये हमारी फोर यूनिट्स के अंदर डिवाइड है बुक, और फर्स्ट यूनिट के अंदर हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया है। फिर हमारे नेक्स्ट जो है पॉलिसीज वगैरह जो एजुकेशन से रिलेटेड है, क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस बुक के अंदर स्टडी करेंगे। ये बुक जो है सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर कंपलसरी है। पेपर टू जो है इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। जब भी आप कहीं पर भी बीएड कर रहे हैं तो ये बुक आपकी कंपलसरी होती है। हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है, जिसका नेम है कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे इसके अंदर क्या क्या आर्टिकल्स हैं, कौन से आर्टिकल जो है एजुकेशन के बारे में है, कौन से आर्टिकल या शेड्यूल के अंदर जो है एजुकेशन के बारे में बताया गया है कि वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर किस तरीके से आई, पहले वो स्टेट लिस्ट के अंदर थी या यूनियन लिस्ट के अंदर थी, इन सब चीजों के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, यानी कि हमारा संविधान क्या है, इसके अंदर क्या है। फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट है ये हमारी। इसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन है कि किस तरीके से कोई भी हमारी, जैसे कि कुछ भी हम काम कर रहे हैं या फिर हमारी जो पार्लियामेंट वगैरह है वो किस तरीके से वर्क करेगी, ये सारी बातें जो है इसके अंदर लिखी गई हैं। 1950 से पहले जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, या फिर हम कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन भी कह सकते हैं, ये वर्क करती थी एज एन इंटरिम पार्लियामेंट। नेक्स्ट आता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कितना समय लगा। फर्स्ट जो मीटिंग थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वो थी 9 दिसंबर 1946 को, और लास्ट मीटिंग जो थी वो 24 जनवरी 1950 को की गई। टोटल जो है हमारा टाइम कितना लगा इसके अंदर, 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज का टाइम लगा। टोटल एक्सपेंडिचर यानी इसको बनाने में टोटल जो खर्चा आया वो हमारा आया 64 लाख रुपए का। फैक्ट में आया ऑन 26 जनवरी 1950 को, जिसको हम रिपब्लिक डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। रिपब्लिक डे इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनकर तैयार हुआ और उसको इम्प्लीमेंट किया गया था पूरे इंडिया के अंदर। नेक्स्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर टोटल अमेंडमेंट कितनी की गई हैं आज तक। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक प्रोग्रेसिव नेचर का है, यानी कि लिविंग फेज में है, इसके अंदर हम इजिली चेंजमेंट ला सकते हैं, नई नई अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो इसके अंदर आज तक टोटल जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद से, यानी कि 26 जनवरी 1950 से लेकर आज तक, इसके अंदर टोटली 105 यानी कि 105 अमेंडमेंट की गई हैं। जैसे कि हमारा जीएसटी आया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो भी ऐसे ही अमेंडमेंट करके ही इसके अंदर इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट आता है टोटल आर्टिकल्स, पार्ट्स और शेड्यूल। ये जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके अंदर जब ये लागू हुआ इसके अंदर 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया था और 8 शेड्यूल्स थे। लेकिन अब जो है 448 जो है हमारे टोटल आर्टिकल्स हो चुके हैं, 25 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है और शेड्यूल जो है आज के टाइम में हमारे टोटल 12 शेड्यूल हैं। फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर इलेक्शन कब हुआ था, वो हमारे 1951 और 52 के बीच में इलेक्शन कराए गए थे। शेड्यूल 7 जो है, अब हमारे जो मेनली हमें एजुकेशन के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ये अभी तक का जो है ये हमारी जस्ट कॉमन नॉलेज के लिए था, अब हमें जो है एजुकेशन के बारे में ही पढ़ना है, तो हमें एजुकेशन से रिलेटेड आर्टिकल्स करने हैं और एजुकेशन से रिलेटेड ही हमें शेड्यूल के बारे में पढ़ना है। तो जो हमारा 7th शेड्यूल है ये क्या कर रहा है, एलोकेशन कर रहा है। ये एलोकेशन ऑफ द पावर्स एंड फंक्शंस बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट लिस्ट, इसने क्या है अलाउड कर दिया है, कुछ पावर्स दे दी हैं हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, उनको कुछ ना कुछ पावर्स अलग अलग दी गई हैं। अब हम 7th शेड्यूल के बारे में जानेंगे कि 7th शेड्यूल के अंदर, जैसे कि हमने जाना है कि पावर्स दी गई हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को, कि वो जो है अपने अकॉर्डिंग किसी भी चीज के अंदर चेंजमेंट ला सकते हैं जो जो उनकी लिस्ट के अंदर है। तो हमारे सबसे पहले आता है यूनियन लिस्ट क्या है, स्टेट लिस्ट क्या है और कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है। यूनियन लिस्ट वो होती है जिसके अंदर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसी के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो किया जाएगा, यानी कि जो भी वो डिसीजन लेगी उसको माना जाएगा और उसके अंदर जो है टोटली हमारे जो यूनियन लिस्ट है 100 सब्जेक्ट्स इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। कुछ सब्जेक्ट्स के नेम है जैसे कि डिफेंस ऑफ इंडिया, एटॉमिक या सीबीआई, इस तरीके के जो भी 100 सब्जेक्ट्स इसके अंदर डाले गए हैं, जिसके अंदर जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के ही डिसीजन लागू होंगे।
नेक्स्ट आता है हमारा स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के अंदर जो है स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन लेगी। जो पहले हमारा एजुकेशन था वो भी हमारा स्टेट लिस्ट के अंदर ही था, लेकिन बाद में इसके अंदर चेंजमेंट लाया गया और इसको स्टेट लिस्ट की बजाय इसको कंकरेंट लिस्ट में डाला गया, जिसके अंदर जो है आगे हम स्टडी करेंगे कि क्या होता है कंकरेंट लिस्ट में। सबसे पहले आता है स्टेट लिस्ट के अंदर कौन डिसीजन लेगा, हमारी स्टेट गवर्नमेंट ही डिसीजन लेगी, यानी कि जो भी उनके डिसीजन होंगे वही माने जाएंगे। सेकेंड, इसके अंदर जो है हमारे 61 टोटल सब्जेक्ट्स अभी एट प्रेजेंट डाले गए हैं। इसके अंदर जैसे कि एग्जांपल है एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, पब्लिक ऑर्डर्स वगैरह, या फिर हमारे फेयर प्राइजेस वगैरह, इनसे रिलेटेड कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि हमारी स्टेट लिस्ट के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट आता है हमारी कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट के अंदर क्या है, बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेगी, यानी कि हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी डिसीजन ले सकती है और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी इजीली डिसीजन ले सकती है। लेकिन अगर एक डिसीजन, यानी कि दोनों ने अपने अपने अलग डिसीजन लिए हैं और दोनों का अलग अलग ही सॉल्यूशन है, तो उस टाइम पर हमारा जो सेंट्रल डिसीजन होगा ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेगी वही माना जाएगा, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का कोई डिसीजन उसके अंदर फिर नहीं माना जाएगा। इसके अंदर टोटल हमारे 52 सब्जेक्ट्स हैं आज के टाइम में, और इसके जो एग्जांपल है जैसे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वगैरह है, मैरिज और डिवोर्स से रिलेटेड कुछ है, एजुकेशन को जो है अब ऐड किया गया है हमारी कंकरेंट लिस्ट के अंदर। तो ये हमारे जो है 7th शेड्यूल था, इसीलिए जो है हमने इस 7th शेड्यूल को कंप्लीट किया है कि पहले हमें जो है हमने एजुकेशन को स्टेट लिस्ट में डाला हुआ था, बाद में इसको कंकरेंट लिस्ट के अंदर डाला गया है। होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के अंदर हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्या एजुकेशन है, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है, कितना टाइम लगा है बनाने में, इन सब चीजों के बारे में आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एजुकेशन और एजुकेशन पॉलिसी और हमारे जो कमीशन बैठे थे जैसे कि कोठारी कमीशन सबसे फेमस है, तो उन सब ने क्या क्या चेंजमेंट लाए, किस तरीके से हमारी एजुकेशन के अंदर चेंजेस आए, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। We'll be right back.